नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बिबू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 15 प्रश्न होने वाले हैं, कंप्यूटर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं। बेटा, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, कई बार पूछे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस किए बिना सारे के सारे क्वेश्चन देखना बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पर से भी कोई प्रश्न आ सकता है बेटा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? भैया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो किया गया काम प्रदर्शित करता है? तो भैया, कौन सा भाग होता है हमारा वो? हम आपको हर क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं, हर क्वेश्चन में टाइम देते हैं, ठीक है? तो अपना कमेंट आप कर सकते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा। भैया, हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉनिटर। देखो, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे मॉनिटर कहते हैं। हम अपना वर्क करने के बाद वो हमें अपने डिस्प्ले पे शो कराता है कि भैया हमने क्या काम किया है, क्या काम किया है। तो इसका बेटा बेसिक सा फंडा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉनिटर जो हमारा होता है वो कौन सा कार्य किया गया है वो हमें डिस्प्ले पे शो कराता है हमारे, ठीक है? क्या काम किया उसने, कौन सा काम किया हमें डिस्प्ले पे शो कराता है अपना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉनिटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कमांड दी जाती है? डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? डॉक्यूमेंट को सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए उसे कौन सी कमांड दी जाती है? भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस के द्वारा, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर स्क्रीन और पेटेंट फॉर्म देने दोनों के पेज पर दिखते वर्ड चेक करता है उसे कहते हैं। बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेक करता है उसे कहते हैं। बेटा, क्या कहते हैं उसे? इसका राइट आंसर आपको बताना है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? प्रूफ करना, जिसमें पहले बेटा प्रूफ करना, ठीक है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, वो हमें प्रूफ करके दिखाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एएलयू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम होगा, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा बेटा, क्या होगा इसका आपको राइट आंसर बताना है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया, हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रोम। रोम होता है हमारा, क्या होता है? रोम होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन के प्रोसेस किए जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं, भैया क्या प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है? क्या प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डाटा। क्या होता है? डाटा, जो कि हमारे कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए सात कनेक्ट किए जा सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं बेटा, किसको कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भैया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क जो हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? क्या? नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर द्वारा दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है और उसे कहते हैं, वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूआरएल। यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सॉफ्टवेयर के में कमांडो की ऑप्शनों की सूची होती है, सॉफ्टवेयर के कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टूल बार। उसे हम टूल बार कहते हैं जो कि हमारा सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, किसमें होती है? टूल बार में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें इनमें कौन प्रसिद्ध ऑप्टिकल सिस्टम नहीं है? इनमें कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मिस्टेक, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं लगा, गले में दिक्कत आ रही है इसलिए दिक्कत हो रही है आज, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत अगर आपको कभी भी आती है मुझसे आप पूछ सकते हो बेटा, आज थोड़े गले में दिक्कत है थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्चुअल बॉक्स। क्या होता है हमारा? वर्चुअल बॉक्स, जो कि हमारा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इंटरनेट से क्या किया जा सकता है भैया? इंटरनेट का यूज कब करते हैं? इंटरनेट के यूज से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इंटरनेट के यूज से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी कुछ भी, आपका कोई वर्क है, कोई काम है, कुछ भी आपका, एनीवन, जो कुछ भी आता है ना इंटरनेट के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए जाते हैं? बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए जाते हैं? सबसे ज्यादा संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है बेटा, कौन सा वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्प्रेडशीट। उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्प्रेडशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिकल नामक एरिया को स्टोर किए जाते हैं? कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स नामक एरिया को, एरिया में स्टोर किए जाते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? इसका राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लिपबोर्ड। क्या कहते हैं उसे? क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीबोर्ड के ऊपर F1 से F12 तक उपलब्ध कीज को कीज के नाम से जाना जाता है? भैया हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं, उन कीज को हम किस नाम से जानते हैं, उन कीज को हम किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा था, हर एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग कि इन कीज को हम क्या कहते हैं, भैया इन कीज को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है आपको, इन कीज को हम क्या कहते हैं भैया? इन कीज को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फंक्शंस की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शंस की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर का उपयोग करते हैं, भैया किसका यूज करते हैं? इसका राइट आंसर आपको दिख भी रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? हम करते हैं टर्मिनल का, किसका करते हैं? टर्मिनल का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टर्मिनल का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो और एक बात मैं आपसे कहता हूँ भैया, अभी तक आपने अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े हो, अपने परिवार के मेंबर नहीं बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी तक आपने नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दीजिए, और आज